दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में देखिए ये 3.7 लिथियम सेल से मैं आज आप लोगों को 12 वोल्ट 5 एम्पियर पैक बना के दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहे, वीडियो के साथ रहे और देखिए कैसे बनाते हैं। मैं पहले सेल का वोल्ट चेक करूंगा, देखिए एक बाय एक करके देखिए 4.4 है, फुल चार्ज है 4.5, 4.1, ये 4.4 है, ये भी ये 4.00 है, देखिए 4.5 है। ये 6 सेल लिया है मैंने, 6 सेल फुल चार्ज है, ये 3.7 वोल्ट का सेल है और इसका एम्पियर है 1200 mAh का, मिली एम्पियर का। अभी इस तरह का देखिए बैटरी होल्डर लूँगा मैं, ये देखिए मैं पहले ही बना के रखा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। ये देखिए दो ऊपर, एक ऊपर की साइड लगेगा, एक नीचे की साइड लगेगा, इसमें हम सेट करते हैं बैटरी को। देखिए दो दो को लूँगा, ये देखिए ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव है। मैं फर्स्ट में दो पॉजिटिव ले रहा हूँ ऊपर, ये देखिए, और अभी नेगेटिव दो लूँगा, ये फिर पॉजिटिव लूँगा दो दो करके, ये देखिए ये तीनों में ही हो जाएगा 12 वोल्ट। लेकिन एम्पियर बढ़ाने के लिए मैं सेल लिया हूँ। अभी ऊपर का कैप जो है ये लगा दूंगा, ये देखिए ये लग गया। अभी इसका कनेक्शन करूँगा, देखिएगा कैसे किस तरह कनेक्शन करके। आप लोग अगर वीडियो पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए, और नया नया वीडियो पाने के लिए मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। ये देखिए अभी इसको हम सीरीज कनेक्शन करेंगे, सीरीज में ये देखिए दो ए दो पॉजिटिव, ए दो नेगेटिव और ए दो पॉजिटिव। अभी देखिए कनेक्शन कैसे करता हूँ मैं। ये देखिए इस तरह कनेक्शन होगा और उस साइड में भी होगा। अभी देखिए यहाँ से ये चारों को हम एक साथ कनेक्ट किया, ये दोनों को सिंगल करके, लेकिन उल्टा साइड में देखिए इस साइड में ये चार को छोड़ के ये चार को इस साइड से आऊँगा। इस ये तो इस साइड से गया था, चार को एक साथ कनेक्ट किया, लेकिन इसको इस साइड से कनेक्ट करूँगा। देखिए सेम उसी की तरह देखिए इस साइड चारों को किया था, अभी इस साइड चारों को किया, इसको भी अभी सिंगल करेंगे। हमारा कनेक्शन बैटरी लगभग ख़त्म हो गया। अब ये देखिए और ए आप लगेगा मेरे हमको एक BMS, देखिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है ये 20 एम्पियर का, इसमें सारा कुछ लिखा रहता है। देखिए ए 0 वोल्ट, ए 4.2 वोल्ट और ए 8 वोल्ट, और नीचे वाला जो है ए 12 वोल्ट, और ये दोनों तो प्लस माइनस इनपुट और आउटपुट दोनों यहाँ से मिलेगा। इसको फिक्स करने के लिए एक डबल साइड टेप लूँगा मैं, ये देखिए इसको यहाँ लगा लूँगा पहले, और इसको भी BMS इसका ऊपर लगा लूँगा ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। ये देखिए अभी इसका कनेक्शन करूँगा, देखिए पहले मैं इसको चेक करूँगा उसके बाद ही इसका कनेक्शन करूँगा। देखिए मल्टीमीटर से मैं चेक कर रहा हूँ ये कितने वोल्ट कहाँ से निकलेगा। ये देखिए ये 12 वोल्ट और 4 वोल्ट
तो अभी ये निकलेगा 8 वोल्ट। ये अच्छा से मैं पहले इसको लगा लेता हूँ अच्छा से। देखिए और इसको यहाँ लाके फोड़ देना है। देखिए ये हम लोग का 0 वोल्ट हो गया। अभी और एक टुकड़ा लूँगा, ये हमारा 8 वोल्ट था। हाँ ये 8 वोल्ट था, इसको हम ये कितना था, ये था 4 वोल्ट। पहले 8 वोल्ट को लगा लेता हूँ। आप लोग भी ऐसे चेक करके करके लगाइए अच्छे से। देखिए ये रहा हमारा 8 वोल्ट। ये वायर होल्डिंग पकड़ने में थोड़ा दिक्कत दे रहा है, हो गया। अब यहाँ जोड़ना है, देखिए अभी हम लोग आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा हम लोग का 0 वोल्ट। ये और ये देखिए कितना है, 4 वोल्ट। देखिए 4, 8, ये रहा 12। अभी सही है कनेक्शन। अभी इनपुट और आउटपुट का वायर जोड़ना है। इनपुट और आउटपुट का वायर थोड़ा मोटा साइज का जोड़िए आप लोग। ये देखिए मैंने एक बैटरी पहले से ही काट करके रखा हूँ, इसके अंदर सेट करूँगा। ये 6 वोल्ट का था, इसे सेट करूँगा। ये देखिए पहले इसको मैं छुड़ा लेता हूँ। ये रहा माइनस और इसको दूंगा, ये रहा माइनस। और इसको आउटपुट का प्लस में जोड़ा हूँ। ये आउटपुट इनपुट दोनों दे आएगा इसमें। अभी इसको मास्किंग टेप से अच्छा से टेपिंग करूँगा सेफ्टी के लिए। ठीक है, ये हम लोग का 12.5 एम्पीयर बैटरी बनकर रेडी है। मैं अभी आप लोगों को कुछ चला के चेक करके दिखाऊंगा, देखिएगा। देखिए ये देखिए मैं अभी ये 775 डीसी मोटर है, इसको मैं आप चला के दिखाऊंगा। ये देखिए कितना अच्छा से चल रहा है। और ये देखिए मेरे पास एक एलईडी भी है, देखिए कितना अच्छा से रोशनी दे रहा है, 12 वोल्ट एलईडी। और ये भी एक है, ब्लू कलर का है।